नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अमेजन पर रिपब्लिक सेल के दौरान जूतों पर तिरंगा लगाकर बेचने के मामले में क्राइम ब्रांच में सेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 और 505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। अमेजन पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। रिपब्लिक सेल के दौरान जूतों पर तिरंगा लगाकर बेचने के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्री के निर्देश और डीजीपी के आदेश के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 और 505 आईपीसी के तहत सेलर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 7 नंबर बस स्टॉप निवासी शुभम नायडू ने एफआईआर दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच में सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल एम्बलम्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में धारा 505(2) आईपीसी भी बढ़ाई गई है। वर्तमान में क्राइम ब्रांच में इसे विवेचना में लिया गया है और संबंधित कंपनी को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं ताकि जिससे वे जो विवादित चित्र हैं वो तत्काल हटाए जा सके। सर, इस मामले में जो है अमेजन का जो कार्रवाई की गई है वो किसके खिलाफ दर्ज की गई और शिकायतकर्ता इसमें कौन है? इसमें शिकायतकर्ता भोपाल के एक नागरिक हैं और इसमें जो शिकायत उनके द्वारा जो दर्ज कराई गई है, इसमें जो सेलर्स हैं जिन्होंने वे जो प्रोडक्ट्स हैं जो होस्ट किए हैं उस साइट पर, उनको उनके विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज कराया है। सर, ये जो सेलर हैं, क्या ये अमेजन के सेलर हैं या किसी दूसरे उसके सेलर हैं? इनके प्रोडक्ट्स जो है अमेजन पर होस्टेड हैं।